अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। चले जी, आज हम सूजी का हलवा बनाते हैं। ठीक है, मैंने फ्लेम ऑन कर ली है और ये मैंने लिया है 1/3 कप। ठीक है, 1/3 कप मैंने सूजी ली है और 1/4 कप मैं यहाँ देसी घी ले रही हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से हम भून लेंगे और ये बहुत ही कमाल बनता है। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वान्टिटीज़ के साथ मैं आपको बताने लगी हूँ। लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए जी, ये हमारी सूजी अच्छे से भुनी गई है। ये मैंने साइड पे रखी हुई थी, ये देखें, इसमें डिफरेंस चेक करें। ये भुने बगैर है और ये भुने वाली है। ठीक है, हमने इसका कलर इसलिए इतना डार्क किया है ताकि हमें इसमें कोई भी ज़र्दा रंग मिलाने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत ही कमाल का कलर आएगा। ठीक है, अब इसमें हम डाल देते हैं। लो फ्लेम पर रख के आपने इसमें पानी डालना है। ठीक है, हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे। ठीक है, ये 1 कप, ये 2 कप और ये 3 कप। ठीक है, अब इसकी फ्लेम वापस से लो टू मीडियम कर देंगे। ठीक है, ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसको 2 मिनट तक पकाएंगे हम ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए, फिर हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। यहाँ सूजी फूल रही है और ठीक है, और पानी में डिज़ोल्व हो रही है, तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। सेम क्वांटिटी जो मैंने सूजी की डाली थी, वही सेम क्वांटिटी में चीनी की डाल रही हूँ, 1/3 कप। ठीक है, अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो 2 टेबलस्पून ऊपर डाल सकते हैं, वरना ये एग्जैक्ट है उनके लिए जो नॉर्मल चीनी लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको हिला देंगे और मीडियम से थोड़ा सा फ्लेम और ज़्यादा कर देंगे, हाई कर देंगे, और फिर इसको पका लेंगे, अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। ठीक है, ये सूजी का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया। इसकी थिकनेस आप चेक करें, मैं बस इतनी ही थिकनेस रखूँगी, क्योंकि इसको गरम गरम इस तरह से खाने में बहुत मज़ा आता है, बजाय इसके कि आप ठंडा करके बहुत ज़्यादा थिक करके इसको खाएँ। ठीक है, तो मैं यहीं पर फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अगर आपने इसको बहुत थिक करना है तो 5 मिनट के लिए और कुक कर सकते हैं आप इसे। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया, बहुत ही कमाल का। नहीं जी, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ही मज़ेदार आया है, और हमने इसमें कोई भी ज़रदा रंग नहीं डाला क्योंकि इसको अच्छे से हमने भून दिया था। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बादाम डाल देते हैं हम, और ये रेडी हो गया हमारा हलवा। बहुत ही कमाल है, बहुत ही मज़ेदार है। आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। फिर आएंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।